नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संदीप और आज हम इस वीडियो के अंदर जियो एफ 220B मोबाइल के अंदर डिजिटल माइक को रिमूव करके टू पिन यूनिवर्सल माइक लगाना सीखेंगे। दोस्तों मैं आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में दिखाया था इस मोबाइल के अंदर डिजिटल माइक को कैसे लगाना है, और उस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बोला था कि इस मोबाइल के अंदर अगर टू पिन यूनिवर्सल माइक लगाना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके बताइए, मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा। तो उस वीडियो के अंदर हमारा बहुत सारे सब्सक्राइबर और व्यूअर कमेंट किया था इस वीडियो के लिए, इसलिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिए। तो चलिए सबसे पहले डिजिटल क्रिस्टल माइक को रिमूव कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, माइक जो हमारा रिमूव हो चुका है, और यहाँ पर देखिए दोस्तों इस माइक के अंदर चार पॉइंट है, और इस चार पॉइंट के अंदर कौन सी पॉइंट में क्या होती है वो मैं पहले आप लोगों को यहाँ पर डिटेल में बताना चाहता हूँ, तो ध्यान से सुनिएगा। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये जो दो पॉइंट दिखाई दे रहे दोस्तों, ये दोनों पॉइंट ग्राउंड है, यानी इस दोनों पॉइंट में से किसी एक पॉइंट में माइक माइनस की वायर को जोड़ सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद ये जो पॉइंट दिखाई दे रहे दोस्तों, ये माइक प्लस की पॉइंट है, इसमें से माइक प्लस का सप्लाई आते हैं। और उसके बाद ये जो पॉइंट दिखाई दे रहे दोस्तों, ये ऑडियो सिग्नल इनपुट पॉइंट है, जिसको माइक डेटा प्लस पॉइंट भी बोलते हैं। दोस्तों मैं तो आप लोगों को इस चारों पॉइंट के बारे में डिटेल में बता दिया, और अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा दोस्तों इसी चारों पॉइंट के अंदर कौन सी पॉइंट में आप लोगों को क्या करना है। और ये जो मैं आप लोगों को यहां पर मेथड दिखाने जा रहा हूं दोस्तों, ये बिल्कुल ईजी है, जो इसके बारे में कुछ भी नहीं जानते वो भी इसको चुटकियों में कर पाएंगे। तो चलिए पहले जान लेते हैं इस मेथड को अप्लाई करने से पहले आपके पास क्या क्या होना जरूरी है। तो सबसे पहले एक रजिस्टर चाहिए, जो कि 1.5 किलो ओम से 4.7 किलो ओम की बीच में। अगर इससे ज़्यादा वैल्यू की रजिस्टर लगाएंगे तो माइक तो काम करेगा, लेकिन माइक का जो साउंड क्वालिटी है दोस्तों वो अच्छा नहीं होगा। तो इसलिए 1.5 किलो ओम से 4.7 किलो ओम की बीच का रजिस्टर यूज़ कीजिए। और ये रजिस्टर आप लोगों को कहाँ से मिलेगा वो भी मैं आप लोगों के यहाँ पर बता देता हूँ, और रजिस्टर देखने में कैसा होता है वो भी मैं आप लोगों के यहाँ पर दिखा देता हूँ, जो इसके बारे में नहीं जानते हैं। तो पहले मैं आप लोगों के यहाँ पर दिखा देता हूँ SMD रजिस्टर दिखने में कैसा होती है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, SMD रजिस्टर देखने में ऐसा होते हैं। और अभी मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों, ये जो रजिस्टर, ये रजिस्टर आप लोगों को कहाँ से मिलेगा। तो ये जो रजिस्टर है दोस्तों, ये तो मार्केट में मिलते नहीं, तो ये आप लोग कोई पुराना मोबाइल की मदरबोर्ड से ले सकते हो। तो चलिए अभी इस मेथड को स्टेप बाय स्टेप करते हैं। तो सबसे पहले एक टू पिन यूनिवर्सल माइक लेना है, तो मैं एक टू पिन यूनिवर्सल माइक ले लेता हूँ। और उसके बाद एक रजिस्टर चाहिए, जो कि 1.5 किलो ओम से 4.7 किलो ओम्स की बीच में। तो मेरे पास एक पुराना मोबाइल की मदरबोर्ड है, इस मदरबोर्ड के अंदर हम लोग देखेंगे वो रजिस्टर यहाँ पर है कि नहीं। तो ये देखने के लिए एक मल्टीमीटर की ज़रूरत होगा दोस्तों, और मल्टीमीटर को 20K में सेट करना है। और अभी रजिस्टर की दोनों साइड में देखते हैं दोस्तों, टच करके इसमें क्या रीडिंग दिखाई देते हैं, एक एक करके चेक करके देखते हैं। तो इसमें पहले देखते हैं, और यहाँ पर ये तो नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए 10K दिखा रहा है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं, हाँ एक मिल गया दोस्तों, ये 1.521 दिखा रहा है, तो ये परफेक्ट काम करेगा। तो इसी रजिस्टर को यहाँ से रिमूव कर लेते हैं। और ये जो पुराना मोबाइल की मदरबोर्ड है दोस्तों, ये सैमसंग E1200Y मॉडल की है। तो चलिए अभी उस रजिस्टर को यहाँ से रिमूव कर लेते हैं पहले, और उसके बाद उनमें सेट करेंगे। तो उसमें कैसे सेट करना है वो भी मैं वीडियो के आगे दिखाऊंगा दोस्तों, और उसको सेट करने के बाद मैं आप लोगों को लास्ट में माइक को चेक करके भी दिखाऊंगा दोस्तों। तो रजिस्टर जो हमारा रिमूव हो चुका है, और अभी रजिस्टर को और एक बार रीडिंग करके देखते हैं दोस्तों, क्योंकि रजिस्टर अगर बोर्ड में रहता है तो उसमें रजिस्टर का जो वैल्यू है वो अलग हो सकता है, क्योंकि जब कंपोनेंट बोर्ड में लगा रहता है दोस्तों, उसके साथ और भी बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं, तो इसलिए उसका जो
वैल्यू है वो अलग भी हो सकता है, और अभी जो यहाँ पर वैल्यू दिखाएगा दोस्तों वो एग्जैक्ट वैल्यू दिखाएगा। तो चलिए अभी देखते हैं इसमें क्या रीडिंग आ रहा है। तो देखिए दोस्तों रजिस्टर का जो वैल्यू है वो बिल्कुल सही दिखा रहा है, और अभी इस मदरबोर्ड में जो माइक का पॉइंट है दोस्तों इस पॉइंट के अंदर इस रजिस्टर को जोड़ेंगे। तो ये आप लोगों को कहाँ जोड़ना है वो मैं आप लोगों के ऊपर दिखा देता हूँ दोस्तों। ये जो दो पॉइंट दिखाई दे रहे हैं दोस्तों इस दोनों पॉइंट के बीच में आप लोगों को रजिस्टर को जोड़ना है, तो मैं इस दोनों पॉइंट के बीच में इस रजिस्टर को जोड़ लेता हूँ। तो देखिए दोस्तों रजिस्टर जो हमारा पूरी तरीके से यहाँ पर सेट हो चुका है, और अभी इसमें टू पिन यूनिवर्सल माइक को सेट करेंगे। तो ये जो दो पॉइंट दिखाई दे रहे दोस्तों ये दोनों पॉइंट में से किसी एक पॉइंट में माइक माइनस वायर को जोड़ना है, और माइक प्लस वायर को किस पॉइंट में जोड़ना है वो मैं आप लोग के यहाँ पर पहले बता देता हूँ। देखिए अगर आपका रजिस्टर का वैल्यू 1.5 किलो ओम से 3 किलो ओम के बीच में, तो रजिस्टर की इस साइड में माइक प्लस वायर को जोड़ना है। अगर उससे ज़्यादा वैल्यू की रजिस्टर है तो रजिस्टर की इस साइड में माइक प्लस वायर को जोड़ना है, इसमें माइक का जो साउंड क्वालिटी है दोस्तों वो अच्छा होगा। तो मेरा जो रजिस्टर के वैल्यू है वो 1.5 किलो ओम्स, तो मैं रजिस्टर की इस साइड में माइक प्लस वायर को लगाऊंगा। तो चलिए माइक को सेट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों मैं माइक को लगा दिया, और अभी मैं आप लोगों को चेक करके दिखाऊंगा दोस्तों ये माइक काम करता है कि नहीं। तो पहले इस जगह को क्लीन कर लेते हैं, और उसके बाद मोबाइल को फीडिंग करके चेक करके देखेंगे दोस्तों ये माइक काम करता है कि नहीं।
तो सेट जो हमारा कम्प्लीटली ऑन हो चुका है दोस्तों, और अभी माइक को चेक करके देखते हैं ये काम करता है कि नहीं। तो ठीक है, देखते हैं। हेलो डेस्ट। तो इस तरह आप लोग जियो एफ 220B मोबाइल के अंदर डिजिटल माइक की जगह 2-पिन यूनिवर्सल माइक को सेट कर पाएंगे। तो दोस्तों मेरी वीडियो लोग पसंद आया तो वीडियो को जरूर से लाइक कीजिए, क्योंकि आप लोगों की 1 लाख से बहुत मोटिवेट मिलते हैं अगले वीडियो के लिए। और आपने हमारे से वीडियो पहली बार देखा है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन में क्लिक करके ऑल सिलेक्ट कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, थैंक यू।